नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। आज पूरा विश्व मना रहा है मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस। कमाल का जैव उर्वरक है सुडोमोनास। आज 17 जून है, जो कि विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 29वां विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के सभी देश बहुत चिंतित हैं। मौसम और आपदाओं की लगातार घटनाओं ने दुनिया भर के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसे पृथ्वी से मनुष्यों के लिए एक मजबूत चेतावनी का संकेत कहा जा सकता है। पर्यावरण और जलवायु के मुद्दे को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए समय की पुकार यही है कि बेकार पड़ी ऊसर, बंजर और मरुभूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। वर्षा जल का संग्रहण, ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण और उपजाऊ भूमि का क्षरण होने से रोका जाए। तो यह सब कैसे करें, इसके लिए देखिए अन्नदाता कार्यक्रम की यह खास प्रस्तुति। आज पूरा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मना रहा है, क्योंकि बढ़ते हुए मरुस्थलीकरण और सूखे की विश्व में एक गंभीर समस्या है और यह समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। आपने देखा होगा कि रेगिस्तानी इलाकों में रातों रात तेज आंधी के कारण टीले के टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाते हैं। ऐसी मृदाओं में खेती करना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इस बढ़ते मरुस्थल को रोक पाना बड़ी चुनौती है। और इस गंभीर समस्या को देखते हुए विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से 1995 से हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोध दिवस मनाया जाता है, जिसके लिए हर वर्ष अलग अलग थीम रखी जाती है। इस वर्ष विश्व मरुस्थल दिवस की थीम हर लैंड हर राइट्स है। इस बार महिलाओं को मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के कारण होने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व में भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित होना एक गंभीर समस्या और चिंता का विषय है। भारत में भी यह चिंता लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत की करीब 30% जमीन मरुस्थल में तब्दील हो चुकी है। इसमें से 82% हिस्सा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ओर से जारी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 2003 से 2005 और फिर 2011 से 13 के बीच भारत में मरुस्थलीकरण 18.7 लाख हेक्टेयर बढ़ चुका है, जिसे रोकना और फिर से उर्वरता की ओर मोड़ना होगा। पर्यावरणीय संबंधी एक अन्य प्रमुख खतरनाक समस्या जमीन में पानी जमा होने और जमीन में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाने की है। मैदानी क्षेत्रों में खारे भूमिगत जल से सिंचाई की वजह से लवणता और क्षारीयता की जबरदस्त समस्या उत्पन्न हो गई है। गहन कृषि के कारण 1980 से अब तक पृथ्वी की 1/4 उपजाऊ भूमि नष्ट हो चुकी है और 1% प्रतिवर्ष की दर से नष्ट हो रही है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों और दवाओं के प्रयोग से मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या से कृषि भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। अनुमान है कि विश्व की जनसंख्या 2050 में 9 अरब हो जाएगी।
ऐसे में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों में तेजी के कारण उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलाव और इसकी वजह से पैदावार में कमी पर्यावरण से जुड़ी एक प्रमुख समस्या बनती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष 27 अरब टन मिट्टी कटाव, जल भराव, क्षारीयता के कारण नष्ट हो रही है। यदि भूक्षरण की यही गति जारी रही तो अगले 30 वर्षों में विश्व को खाद्य पदार्थों की भीषण कमी का सामना करना पड़ेगा। इसकी रोकथाम के लिए अभी से ही इसे रोकने की ओर कदम उठाने होंगे। किसान स्तर और सामुदायिक स्तर पर भूमि का संरक्षण करना हर मानव का कर्तव्य है। मृदा और जल संरक्षण के कार्य को जिम्मेदारी से करना होगा। भूमि का समतलीकरण करना होगा जिसमें ऊंची और नीची भूमि पर भी फसलें उपजाई जा सके। साथ ही सिंचाई जल के अनावश्यक बहाव और जमाव की बर्बादी को रोककर एक समान सिंचाई की जा सके। जल संरक्षण के लिए जरूरी उपायों को अपनाएं, सिंचाई के तरीकों में बदलाव करें, ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेन गन से सिंचाई करें, पानी की उपलब्धता के आधार पर फसलों का चयन करें, अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत जरूरी होने पर ही करें और संतुलित मात्रा में करें, कीट रोग और खरपतवारों के प्रबंधन के लिए रसायनों के प्रयोग से बचें और समेकित उपायों में सही फसल चक्र अपनाएं और जैविक तरीके अपनाएं। धरती पर हरियाली बनाए रखने के लिए पेड़ जरूर लगाएं और अनावश्यक पेड़ों की कटाई ना करें। तेज हवाओं के झोंके से खेत की उपजाऊ मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए खेत के चारों ओर वायुरोधक पेड़ लगाएं और कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल को इधर उधर बहने से रोकें ताकि मृदा को खराब होने से बचाया जा सके। और रेगिस्तानी इलाकों में पेड़ पौधे और कई तरह की घासों को लगाया जाए ताकि मरुस्थल को बढ़ने से रोका जा सके। ये सब कार्य हमारे किसान भाई और आम नागरिक अपने स्तर पर कर सकते हैं। साथ ही कृषि में महिलाओं का भी बहुत बड़ा रोल है, उन्हें भी इस मरुस्थल को रोकने में हर कदम पर अपना योगदान देना होगा ताकि इस बढ़ते हुए मरुस्थलीकरण को रोका जा सके। किसान भाई, विश्व मरुस्थल दिवस के अवसर पर भूमि सुधार और विकास के क्षेत्र में अभी कई राहें तय करनी बाकी हैं और कार्यक्रम की आज की कड़ी उसी राह की एक छोटी सी कोशिश थी। आगे भी इसी तरह की कोशिशें हम जारी रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सोना उगलने वाली मिट्टी हमेशा हरी भरी रहेगी, क्योंकि धरती की खुशहाली में ही तो देश की प्रगति है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जगदलपुर में बीजेपी आईएम के कार्यकर्ता ठेके पर कचरा लेकर पहुंचे निगम दफ्तर। शहर में फैले कचरा पर जताया आक्रोश, निगम प्रशासन को दिया 7 दिनों का अल्टीमेटम, निगम कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। फिल्म आदि पुरुष आज पर्दे पर आई, निर्माताओं ने पूर्व घोषणा के मद्देनजर थिएटर में भगवान हनुमान के लिए रखी एक सीट रिजर्व। रायपुर में थिएटर में भगवान हनुमान की सीट की तस्वीरें आई सामने। भोपाल में ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। जैविक खेती के लिए स्यूडोमोनास जैव उर्वरक वरदान साबित हो रहा है, जो कई फसलों, फलों, सब्जियों और गन्ना में जड़ सड़न, तना सड़न, डैम्पिंग ऑफ उकठा, लाल सड़न, जीवाणु, झुलसा इत्यादि रोगों की रोकथाम के लिए भी प्रभावी पाया गया है। तो इसके उपयोग और महत्व के बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल।
किसान भाइयों, जैविक खेती की जब बात आती है तो कुछ ऐसे जैव उर्वरक हैं जिनका इस्तेमाल की हमेशा वैज्ञानिक सिफारिश करते हैं। उसमें प्रमुख रूप से हम बात करते हैं सोडोमोनास की। सोडोमोनास एक प्रकार का जवाहर जैव उर्वरक, यह सभी फसलों के लिए सिफारिश किया गया है। यह फसलों में विशेष रूप से बहुत सारी जो फसल उत्पादन से संबंधित चीज़ें हैं, पौधे के विकास को लेकर, पौधे की गुणवत्ता को लेकर, इसमें विशेष रूप से कार्य करने की क्षमता है। स्यूडोमोनास जैव उर्वरक का प्रयोग सभी फसलों के लिए कर सकते हैं। ये पौधवर्धक उत्पाद है। ये वनस्पतिक वृद्धि करता है, पौधे में फूल और फल को बढ़ाता है। सबसे खास बात यह है कि इसका प्रयोग अरहर, चना, मसूर, मटर, गेहूं, टमाटर, शिमला मिर्च, गन्ना, मक्का, तरबूज, खरबूज, मिर्च आदि सभी फसलों में किया जा सकता है। जब भी सुडोमोनास की विशेषताओं की बात करते हैं तो सुडोमोनास एक प्रकार का जैव उर्वरक है जो कि द्वितीयक मेटाबोलाइट जो होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक जो होते हैं, उस तरीके से ये उत्सर्जित करते हैं और पौधों को जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनसे रक्षा करते हैं। यह सूक्ष्म जीव संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हमारी फसल है उसके पूर्ण रूप से विकास में एक महत्वपूर्ण इनकी जो है रोल होता है, विशेष प्रकार की जिम्मेदारी होती है कि ये जब भी हम उपयोग करते हैं तो ये अपनी इसमें महती भूमिका निभाते हैं। मृदा में उपस्थित जो प्रदूषण करने वाले जो कई चीज़ें होती हैं उनको भी विघटित करने का काम करते हैं, उनको अच्छी तरीके से सड़ाने का, या हम कह सकते हैं कि उनको डिकम्पोज करने का काम ये करते हैं। चूँकि जीवाणु बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में जाना जाता है, अतः जब हम सुडोमोनास का उपयोग करते हैं तो ये देखा गया है कि जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, जैसे फ्यूजोरियम है या पीथियम है, अल्टरनेरिया है, या हम कह सकते हैं नेमाटोड है, आदि से सुरक्षा करता है। सुडोमोनास के इस्तेमाल से जो लाभ होते हैं हमारी फसल में, हमारी भूमि में, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब भी हम फसलों में सुडोमोनास का इस्तेमाल की बात करते हैं या उपयोग करते हैं तो इसमें विशेष रूप से वानस्पतिक वृद्धि वो बहुत अच्छी होती है, इसमें विकास बढ़िया होता है और यह हमारी शोध में पाया गया है। इसके साथ ही ISR जो है विकसित करने में वे, और फलस्वरूप जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा जो लोह तत्व है उसकी गुणवत्ता को और उसकी उपलब्धता को बढ़ाता है। जो आयरन होता है या लोहा जो होता है भूमि में होता है उसकी उपलब्धता को बढ़ाता है। इसके अलावा पौधों की जो प्रतिरोधक क्षमता है विभिन्न प्रकार की, जैसे सूखा पड़ गया, पानी की कमी हो रही है, या बहुत अधिक मात्रा में कभी रोग या व्याधियों की समस्या आ रही, तो इन सबसे प्रतिरोधीय क्षमता जो है हमारे पौधों की बढ़ जाती है। अब बात आती है कि इसको प्रयोग दर कितना प्रयोग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो बीजोपचार के रूप में अगर हम चाहें तो 10 ml प्रति लीटर, या पाउडर का रूप में भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो 20 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम मिट्टी का उपचार कर रहे हैं तो 3 किलोग्राम सुडोमोनास या फिर 2 लीटर से 3 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो खेत हैं उनमें अगर हम पौधों में भी छिड़काव करना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं पर्णी छिड़काव। पर्णी छिड़काव में प्रमुख रूप से हमारे किसान भाई 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमारा जो सुडोमोनास कल्चर है उसका सुबह के टाइम या फिर शाम के समय उसका अच्छी तरीके से फसल पर छिड़काव करेंगे तो उसका लाभ बहुत अच्छा मिल सकता है। इसके साथ ही अगर हम सिंचाई के साथ उपयोग करना चाह रहे हैं तो टपक सिंचाई जो होती है उसमें 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से टपक सिंचाई की जो व्यवस्था है उसमें हम अगर हमारे सुडोमोनास का घोल को इस्तेमाल करें तो ये 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। सुडोमोनास का छिड़काव करने के बाद फसल पर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, साथ ही फसल पर लगभग 3 बार इसका स्प्रे करना चाहिए। पहली बार फसल जब 1 महीने की हो जाए, दूसरी बार फूल आने से 1 सप्ताह पहले और तीसरी बार फल आने के 1 सप्ताह पहले सुडोमोनास का छिड़काव करना चाहिए। 1 एकड़ में 2 लीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना होता है। हम हमेशा किसान भाइयों को ये सलाह देंगे कि वो बीजोपचार जब कर रहे हैं या फिर मिट्टी में उपचार कर रहे हैं तो जो बताई हुई मात्रा है उसकी कमी ना करें। उससे ज़्यादा मात्रा में भी इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन उससे कम मात्रा में करेंगे तो उसका बेहतर रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पाते हैं। इसलिए हमेशा
सिफारिश की हुई मात्रा का इस्तेमाल करें और उससे अधिक मात्रा में भी इस्तेमाल करते हैं तो उसका लाभ अच्छा मिलता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह फसल की बेहतर खेती में बेहतर लाभ प्रदान करने में सूडोमोनास का एक अपना विशेष योगदान है और इस जैव उर्वरक के इस्तेमाल से किसान भाई निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की व्याधियों से और विभिन्न प्रकार की जो रोग होते हैं समस्याओं से भी निजात मिलती है। इस प्रकार से हम सूडोमोनास का इस्तेमाल करके गुणवत्ता में बढ़ोतरी करता है और उत्पादन में ही बेहतर प्राप्त होता है। तो सूडोमोनास जो जवाहर जैव उर्वरक है इसका इस्तेमाल किसान भाइयों को जरूर करना चाहिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। दौर जारी, जिलों की कोर कमेटियों के साथ सीएम शिवराज का मंथन, चुनावी रणनीति और जमीनी हालात पर चर्चा। कर्नाटक में धर्मांतरण कानून को लेकर गृह मंत्री का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस का हाथ लव जिहाद के साथ, कांग्रेस का ये हिडन एजेंडा। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून मामले को लेकर वीडी शर्मा का ट्वीट, कहा कांग्रेस ने कानून को वापस लेकर दिखाया अपना असली चेहरा, कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण के समर्थक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम निश्चित रूप से फसलों की सफलता या विफलता का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इसीलिए मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, सैयद गुड्डाधर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कुमरावट जगदलपुर बस्तर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर और इससे लगे जिलों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम बारिश होने और कहीं कहीं पर मध्यम बादल छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में दक्षिण पश्चिम दिशा से हवाएं चलने और इसकी गति लगभग 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसानों को विश्वसनीय स्रोतों से खरीफ धान के बीज की व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है। किसान भाइयों के पास सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध होने की स्थिति में धान का धरहा तैयार करने के लिए खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर भुरभुरी खेत तैयार करें। इस प्रक्रिया में खरपतवार काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। धान का धरहा डालने या बुआई से पहले स्वयं उत्पादित बीजों को 17% नमक के घोल में उपचारित कर पुष्ट बीजों का चयन करें। प्रमाणित या आधार श्रेणी के बीजों के पैकेट में प्रदाय किए गए फफूंदनाशक से अवश्य उपचारित करें। धान की नर्सरी के लिए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद की व्यवस्था कर लें। धान की रोपाई से पहले बेहतर अपघटन के लिए हरी खाद के पौधों को 6 से 8 सप्ताह की अवस्था में पलट दें। यह 6 से 7 टन हरा पदार्थ जोड़ता है और बदले में प्रति हेक्टेयर धान की फसल के लिए 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन जोड़ता है। वर्तमान मौसम खरीफ सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च इत्यादि के धरहा डालने के लिए खेत एवं नर्सरी तैयार करने के लिए अनुकूल है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि लगभग 6 इंच ऊंची क्यारियां बनाकर रखें जिससे नर्सरी में जल जमाव न हो सके। किसान भाई कंद वर्गीय सब्जियों जैसे जिमीकंद, शकरकंद और मसाला फसलें जैसे हल्दी, अदरक आदि की बुआई के लिए खेतों की तैयारी करें। साथ ही साथ बेल वाली सब्जियां लगाने के लिए छोटी पॉलीथीन थैलियों में नर्सरी तैयार करें। खरीफ फसलों के लिए भूमि तैयार करने के लिए गर्मियों की जुताई का उचित समय है। पहले जुताई के बाद
FYM या कंपोस्ट को खेत में फैलाना चाहिए, फिर इसे मिट्टी में ठीक तरह से मिलाना चाहिए। दीमक के खिलाफ फसल की सुरक्षा के लिए अंतिम भूमि की तैयारी के समय नीम या करंज केक को मिट्टी में मिलाना चाहिए। भंडारण के लिए दलहनी फसलों के बीजों को 8-10% नमी हो तब तक बीजों को अच्छी तरह से सुखाएं। गन्ने की फसल में तना बोरर और शीर्ष बोरर कीटों के हमले के लिए मौसम अनुकूल है। फसल के संक्रमित भागों को हटा दें और उन्हें जला दें। टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और अन्य सब्जियों की फसलों में सिंचाई और इंटरकल्चर ऑपरेशन की जरूरत है। पर्यावरण के तापमान के अनुसार सिंचाई की आवृत्ति बढ़ाएं। वर्षा ऋतु में विभिन्न फलों के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें और गड्ढे खोदकर तैयार कर दें और फलों के पेड़ की आवश्यकता के अनुसार गड्ढे के बीच की दूरी बनाए रखें। पशु बाड़े में हमेशा साफ एवं ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। यदि बाड़े के बाहर पानी का बर्तन रखते हो तो छायादार जगह पर रखें। पशुशाला एवं मुर्गी घर में हवा के आगमन के लिए सही व्यवस्था रखें। गेहूं, चना एवं तिवड़ा के भूसा को पानी से बचाएं और पशुओं को खिलाने के लिए सुरक्षित स्थान में भंडारण करें। दुधारू पशुओं के आहार में दाना मिश्रण की मात्रा बढ़ा दें। पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने मवेशियों को गला घोंटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। गर्मी से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान पर बांधें एवं परजीवियों से बचाव के लिए जरूरी उपाय करें। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर और साफ एवं ताजा पानी दें। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवरा जिला इंदौर के कृषक पवन कुमार ने। ये पशुओं के लिए पानी की उत्तम व्यवस्था के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पवन कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। राज्य में खेती के साथ साथ पशुपालन किसान की आय का एक मुख्य साधन है और पशुओं के लिए आहार के साथ पानी का बहुत महत्व होता है और पानी की जब बात आती है तो पानी पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पिलाना चाहिए और पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। अच्छी सेहत का ये है राज, साफ सुथरा जल सबको मिले, करो प्रण आज। जब ना होगा पीने योग्य नीर तब सब करेंगे विचार गंभीर। यह स्लोगन पानी के अनिवार्यता बताने के लिए काफी है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेयरी पशुओं की, जिनसे हमारे किसान भाई आशा तो करते हैं कि वो रोज बाल्टी भरकर दूध दें, लेकिन अक्सर हमारे कुछ किसान भाई पशुओं को किसी भी तरह का पानी पिला देते हैं जिससे उनके पशु कई तरह के रोगों की चपेट में आ जाते हैं, जिस कारण पशुओं का दुग्ध उत्पादन गिर जाता है और पशुपालकों को नुकसान उठाना पड़ता है। पशुपालक भाइयों, आज आप देख सकते हैं कि ये 200 लीटर की पानी की टंकी है जिसमें एक टंकी में हमने पुताई कर रखी है और इसमें चूना डाल रखा है। 200 लीटर में 2 किलो चूने की आवश्यकता होती है और साथ में आप देख रहे हैं कि ये हमने पुताई नहीं कर रखी है। आप देख रहे होंगे कि इसमें कितने कीड़े, लार्वा और एलगी आई हुई है जिससे पानी पूरा गंदा हो रखा है। तो इस प्रकार से मोस्टली पशुपालक या अपनी खेतों में इस तरह का पानी रहता हो तो पशु के लिए बहुत ही हानिकारक है। किसान भाइयों, हमारे पशुपालक अपने पशुओं को जो पानी उनके पास उपलब्ध रहता है उसे ही पिलाने में काम में लाते हैं, जिसके अंदर कई प्रकार के कीड़े रहते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक होते हैं और पशुओं में कई तरह के रोगों को फैलाते हैं। इस तरह का गंदा पानी पीने से पशुओं के पेट में कीड़े चले जाते हैं जिनकी वजह से कम 20-25% आहार को ये कीड़े खाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से पशु का जहां 10 लीटर दूध उत्पादन देता है वहां 7 लीटर के आसपास ही दूध उत्पादन देता है। तो पशु को चारे में भी नुकसान हो रहा है और उसको दूध उत्पादन में भी नुकसान हो रहा है और पोषक तत्वों की पूर्ति भी नहीं हो पा रही।
पशुपालक भाइयों, आप अपने डेयरी व्यवसाय को सफल तभी बना सकते हैं जब आप पशुओं को संतुलित आहार खिलाने के साथ साथ उनको स्वच्छ और ताजा पानी पिलाएं, ताकि आपके पशुओं में किसी प्रकार की समस्या ना आए और पशुओं का दूध उत्पादन बना रहे। तो पशुपालक अपनी खेल में चूने से पुताई करें और पुताई करने के बाद में उसमें 100 लीटर पानी के हिसाब से 1 किलो चूना डाल दें और चूने को आराम से किसी की सहायता से उसको घोल दें, या अपने जो पानी पिलाते हैं बाल्टी में भी कुछ मात्रा में चूना डालकर अपने पशुओं को पानी पिला सकते हैं। और जब पशु पानी पीलेगा तो पानी पीने के बाद में सभी पशुओं को कैल्शियम की पूर्ति प्राप्त होगी और इस प्रकार से उनके पशु बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataMP@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889263 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।